स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्लांट्स, दैट इज ऑफ क्लास 6 चैप्टर 7, टू नो अबाउट प्लांट्स। तो इसमें आज हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे। सो आई विल शो यू, क्या देखेंगे इसके अंदर हम, टाइप्स ऑफ विनेशन, पार्ट्स ऑफ द लीव्स, टाइप्स ऑफ रूट, देन वी विल स्टडी अबाउट फ्लावर्स। तो ये सब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है, प्लांट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड मिंट। सो ये क्या है स्टूडेंट्स, कैसा पौधा है जिसको हम बोलते हैं पौदीना, ठीक है, जो हमारे लिए मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी। ये क्या है, हमारे लिए मेडिसिनल भी यूजफुल है, ठीक है, इससे हमारा डाइजेशन वगैरह सही रहता है। तो यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, ये क्या है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट वी कॉल दिस वन, दिस इज कॉल्ड हर्ब्स। अब इसको हमने हर्ब्स क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे स्टेम देखो, बिल्कुल कैसी दिख रही है स्टेम, ग्रीन कलर की, स्टेम इज ग्रीन कलर। और ये स्टेम क्या है, बिल्कुल वीक स्टेम है, दिस इज नॉट वुडी, ये वुडी स्टेम नहीं है। कैसी स्टेम है, ये बिल्कुल वीक स्टेम है। तो आप कोई भी देख लो यहाँ पे उठा के, बिल्कुल कैसी है, सॉफ्ट, और क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट है और ग्रीन कलर की है। और इनकी हाइट ज्यादा नहीं होगी, ये स्लाइटली आपको थोड़े से, कितने आप ये लगा लो, 1 फुट से ऊपर कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, मोस्टली 1/2 फुट तक मिलते हैं। सो ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड हर्ब्स। सो ग्रीन स्टेम, ऑल्सो ग्रीन स्टेम इज वीक, और ये ग्राउंड के थोड़ा सा हाइट से ऊपर होंगे, ग्राउंड से थोड़ी सी हाइट ऊपर मिलेगी इनकी। अब मैं आपको दिखाती हूँ और थोड़े से श्रब्स। तो यहाँ पे देखो, ये भी क्या है, श्रब है, जो डेकोरेटिव प्लांट है। यहाँ पे देखो, ये डेकोरेटिव प्लांट्स, ये भी क्या है स्टूडेंट, श्रब्स, ये भी डेकोरेटिव प्लांट है, ये भी क्या है, श्रब, बिल्कुल वीक स्टेम है। अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पे स्टूडेंट, इन पौधों में यहाँ पे इसकी लीव्स कैसी है, आपको दिख रही है, डार्क कलर की सी, नॉट ग्रीन, ग्रीन कलर की नहीं है, ये डार्क पर्पल सी आपको दिख रही है, और ये ग्रीन कलर की है। ग्रीन कलर की लीव्स, इसका मतलब क्या है, वहां पे क्लोरोफिल है, इसीलिए कलर किसका होता है, लीव का कलर कैसा होता है, ग्रीन। बट यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं है, यहाँ पे ग्रीन कलर ज्यादा नहीं है, ग्रीन है यहाँ पे, मतलब ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, लीव्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन। यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट कम है, क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ मिलती है, क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोफिल पिगमेंट कम है, इसी वजह से यहाँ पे अदर पिगमेंट ज्यादा होने की वजह से इसका कलर लीफ का ग्रीन कम है, और ये ब्रिंजल सा ज्यादा दिख रहा है, वॉयलेट सा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, श्रब दिखाती हूँ मैं आपको, आई विल शो यू श्रब। तो ये देखो स्टूडेंट, दिस प्लांट, दिस इज चाइना रोज, ये कैसा पौधा है, यहाँ पे ये चाइना रोज दिख रहा है आपको, फ्लावर, दीज आर द लीव्स ऑफ चाइना रोज, ठीक है। तो ये पौधा कैसा है, सो स्टूडेंट्स, ये क्या है, चाइना रोज। अब चाइना रोज इसको किस कैटेगरी में लाएंगे, ये ना ही ज्यादा बिगर है, और ना ही जैसे हमने ये कोरिएंडर देखा था, ये कोरिएंडर, ना ही इसकी तरह बिल्कुल क्या है, साइज में स्मॉल है, ये मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं। कैसे होते हैं, मीडियम साइज। इसमें जो स्टेम है वो ज्यादा थिक नहीं होती, ये दिख रही है आपको स्टेम, ये ज्यादा क्या है, थिक, मोटी नहीं है, बट हर्ब से श्रब की स्टेम थोड़ी सी थिक होगी, और ये वुडी दिख रही है, थोड़ा सा स्लाइटली वुडी सी होगी, बट ये ग्रीन नहीं होगी, ठीक है, वुडी स्टेम होगी, लेकिन ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। कैसी है ये, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, स्लाइटली क्या है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो इजीली टूट जाएगी, ठीक है, ऐसी रोज प्लांट। तो श्रब के एग्जाम्पल में क्या हो गया, मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच, ऑल दीज आर व्हाट, श्रब्स, एंड दिस इज हर्ब। ऐसे ही यहाँ पे ये प्लांट्स और दिख रहे हैं, दीज आर द प्लांट्स, ये डेकोरेटिव है जो बाउंड्री वॉल के बाहर करते हैं, सो दीज आर ऑल्सो, ये क्या है, दीज आर ऑल्सो श्रब। और यहाँ पे सामने दिख रहे हैं स्टूडेंट्स बिल्डिंग के बाहर, ये भी क्या है, श्रब, ये जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगे हुए, आई विल शो यू, यू विल सी फ्रॉम देयर, वहीं से देखो। अब ये वाले पौधे भी कौन से हैं, दीज, ये सारे भी, ये व्हाइट कलर के इसमें दिख रहे फ्लावर्स लगे हुए,
व्हाइट कलर के फ्लावर्स, तो ये भी कैसा पौधा है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड श्रब. क्या बोलते हैं इसको हम? श्रब. यहाँ पे देखो, दिस इज ऑल्सो श्रब. ये क्या है? स्टेम. श्रब में एक चीज देखी थी हमने, क्या कि जो स्टेम है वो क्या है, बेस से अराइज हो जाती है. देखो ये स्टेम यहाँ से बेस से बनी हुई है ना. स्टेम कैसी है? बेस से अराइज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं श्रब. और जो बिगर साइज में होंगे उनको हम बोलते हैं ट्रीज. तो बिगर साइज के ट्रीज के लिए मैं आपको दिखाती हूँ. नाउ स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहे हैं दो बड़े बड़े सेंटर में, तो इसे हम कहते हैं ट्री. तो ट्री में आप देखोगे दोनों ट्री जो आपको साथ में दिखाई दे रहे हैं, पीछे बाउंड्री वॉल दिख रही है, दो पोल्स के बीच में दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं ट्री. ट्री में जो स्टेम है वो थोड़ी सी और ऊपर हाइट तक जाएगी, एंड देन ब्रांचेस उसके अंदर से क्या होगी, अराइज होगी. पहले स्टेम, स्टेम कैसी है? बिल्कुल मोटी सी आपको दिख रही है, स्टेम थिक है. और प्लांट ट्रीज की हाइट भी क्या मिलेगी स्टूडेंट्स आपको? ज्यादा मिलेगी. श्रब की बिल्कुल मीडियम साइज की मिलेगी हाइट, और ट्रीज की क्या होगी? बिगर हाइट होगी. तो यहाँ पे दोनों, और स्टेम शूट पार्ट है और रूट पार्ट दो होंगे, तो शूट पार्ट में जो स्टेम है जो बिल्कुल मिट्टी से ऊपर है स्टेम पार्ट, वो काफी ऊपर तक जाएगा, 5-6 फीट. ठीक है, 5-6 फीट या 10 फीट तक जाने के बाद फिर उसमें से ब्रांचेस अराइज होती है, तो उसे हम कहते हैं ट्री. सो दिस इज ए ट्री. क्लियर है हर्ब शर्ब्स एंड ट्री? यस मैम. अब मैं आपको टाइप ऑफ विनेशन शो करती हूँ.